रशिया और यूक्रेन के बीच दो हफ्तों से भी ज्यादा समय से युद्ध जारी है। अब तक की सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं। लोगों का देश छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की खूबसूरती मिट चुकी है और उसके कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन शांति का कोई कतरा नजर नहीं आ रहा है। रशिया के सैनिक राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो आज नोदस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रशिया यूक्रेन से क्या चाहता है, साथ ही जानेंगे कि जंग को रोकने के लिए रशिया ने यूक्रेन के सामने क्या शर्तें रखी हैं और इनके क्या मायने हैं। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। रशिया की पहली शर्त है कि यूक्रेन को तत्काल संविधान में संशोधन कर खुद को गुटनिरपेक्ष घोषित कर देना चाहिए। यहाँ रशिया का सीधा इशारा यूरोपीय देशों की तरफ है। अपनी इस शर्त से रशिया चाहता है कि यूक्रेन संवैधानिक तौर पर भी यूरोपीय देशों से दूर रहे और यूक्रेन की नीति यूरोपीय देशों से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यही चाहते हैं कि यूक्रेन उनके इशारों पर चले और उन्हीं देशों के साथ संबंध बनाए जिनके साथ रशिया चाहता है। रशिया की दूसरी शर्त है कि यूक्रेन किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने के पीछे उसका सीधा इशारा नाटो की तरफ है। रशिया चाहता है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन नाटो देशों में शामिल न हो। इस जंग की शुरुआत होने की कई वजहों में से एक कारण ये भी है। रशिया और नाटो के बीच विवाद नया नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नाटो बनाया गया तो उस वक्त पश्चिमी देश नाटो से जुड़े थे, लेकिन ये धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो रशिया को पसंद नहीं आ रहा है। विवाद की वजह ये भी है कि नाटो को सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था और रशिया सोवियत संघ का ही हिस्सा था। रशिया की तीसरी शर्त है कि तत्काल प्रभाव से क्रीमिया को रशिया का हिस्सा माना जाए। दरअसल क्रीमिया कभी रशिया का ही हिस्सा था, लेकिन 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने इसे यूक्रेन को बतौर उपहार दिया था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर हमला करके इसे अपने देश में मिला लिया था, लेकिन अब तक यूक्रेन ने इसे मान्यता नहीं दी है। रशिया की चौथी शर्त है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। ये दो क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन के ऐसे प्रांत हैं जहां रूसी समर्थक हैं। 2014 में डोनबास प्रांत के डोनेट्स्क और लुहांस्क को यहां के अलगाववादियों ने स्वतंत्र घोषित किया था। रशिया ने यहां पर हमला करके हाल ही में इसे स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी थी, लेकिन यूक्रेन ने इस पर विरोध जताया था। अब शर्तों के बहाने रशिया चाहता है कि इस पर यूक्रेन की मुहर भी लग जाए। अगले कुछ दिन इस जंग में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखना होगा कि संकट से जूझ रहा यूक्रेन रशिया के सामने घुटने टेकता है या नहीं। फिलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।